नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तराखंड में कैबिनेट की खास बैठक होगी आज, नई खेल नीति पर लग सकती है मुहर। उत्तराखंड में भाजपा ने शुरू की दावेदारों की परख, विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगी प्रांतीय नेतृत्व की टीमें। देहरादून में देवस्थानम बोर्ड भंग करने को लेकर आंदोलन हुआ तेज, अब तीर्थ पुरोहित करेंगे कैबिनेट मंत्रियों के आवास का घेराव। राज्य में ठंड के कारण गिरे फलों के भाव, फल मंडी में 20 रुपए दर्जन तक बिक रहा है केला। हल्द्वानी का नंदपुर गांव एक महीने से पानी के लिए परेशान, गांव में पानी नहीं मिलने से परेशान हो रहे हैं लोग। हल्द्वानी में जीप ने स्कूटी सवार युवक को कुचला, हादसे में एक की दर्दनाक हुई मौत, दूसरा हुआ घायल। हल्द्वानी में खुलेआम जलाया जा रहा है सुशीला तिवारी अस्पताल का बायोमेडिकल वेस्ट, खुले में वेस्ट जलने से लोग हुए परेशान। रुड़की में कायाकल्प टीम ने जांची अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं, खराब व्यवस्थाओं पर दिए सुधार के निर्देश। पिथौरागढ़ में 35 दिनों के बाद खुला तवाघाट सोबला मार्ग, मार्ग खुलने से लोगों को मिली बड़ी राहत। बागेश्वर के कांडा में लगाया गया होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर, शिविर के दौरान ग्रामीणों ने कराई अपने स्वास्थ्य की जांच। लोहाघाट में ग्रामीणों ने दी पानी के लिए चेतावनी, 2 दिन में पेयजल संकट दूर करने की उठाई मांग। अल्मोड़ा पुलिस लाइन सभागार में हुई मासिक अपराध गोष्ठी, गोष्ठी में एसएसपी ने की अपराधों की समीक्षा। पौड़ी में जल्द शुरू होगी विकास विभाग नाम की वेबसाइट, विभागों की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की मिलेगी जानकारी। स्वच्छता के मामले में सुधर रही बागेश्वर जिले की रैंकिंग, राष्ट्रीय सर्वेक्षण में पहुंचा 362वें पायदान पर। उधम सिंह नगर में लगातार बढ़ रहे हैं तस्करी के मामले, जिले में तस्करी के कॉस्मेटिक सामान के साथ एक नेपाली युवक हुआ गिरफ्तार। अल्मोड़ा में संविदा नर्सों ने किया मांगों को लेकर प्रदर्शन, प्रदर्शन के चलते जिला अस्पताल परिसर में ठप रहा कामकाज। पिथौरागढ़ में घरेलू गैस की हुई किल्लत, गैस की किल्लत होने से ग्रामीण हुए परेशान। पंतनगर में 3 दिन से तेंदुआ दिखने पर फैली दहशत, लोगों ने तेंदुए को सड़क पार करते देखा तो मचा हड़कंप। हल्द्वानी में मेडिकल कॉलेज से निकली लिस्ट, शर्तों से मुकरने वाले डॉक्टरों के खिलाफ नोटिस हुए जारी। हल्द्वानी में प्रेमिका के पैसों पर मौज करना प्रेमी को पड़ा भारी, भड़की हुई प्रेमिका ने आज रोडवेज पर काटा हंगामा। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।